जी हिंद वंदे मातरम, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असर न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा महा ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे आपको पूरी पूरी जानकारी अपडेट मिल जाएगी इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री की रेस में आगे है या फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे आगे हैं, यानी कि अगाड़ी सरकार के शिवसेना में उद्धव ठाकरे आगे हैं या फिर एनसीपी के शरद पवार या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलेगा या फिर कोई दूसरी पार्टी बाजी मार जाएगी महाराष्ट्र विधानसभा में? चलिए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। इससे पहले आप ऐसा न्यूज पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया हुआ जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा सब बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म है 5, एनसीपी खत्म 1, शिवसेना खत्म 1, कांग्रेस पार्टी खत्म 1 सीट। सत्तारा की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से यहाँ पर बीजेपी खत्म 2, एनसीपी खत्म 1, शिवसेना खत्म 2 और कांग्रेस पार्टी खत्म 3 सीटें जा सकती हैं। सिद्धू दूर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खत्म 0, एनसीपी खत्म 0, शिवसेना खत्म 1 सीट और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो महाराष्ट्र की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खत्म 9, एनसीपी खत्म 2, शिवसेना खत्म 4, कांग्रेस पार्टी खत्म 4 और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म 6, एनसीपी खत्म 2, शिवसेना खत्म 2, कांग्रेस पार्टी खत्म 0 और अन्य पार्टी खत्म 1 सीट जा सकती है। ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 18 में से बीजेपी खत्म 10, एनसीपी खत्म 4, शिवसेना खत्म 3, कांग्रेस पार्टी खत्म 1 सीट। वर्धा की बात करें तो यहाँ पर वर्धा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 0 पर एनसीपी, शिवसेना खत्म 1 सीट जा सकती है। तो महाराष्ट्र की 52 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म 28, शिवसेना खत्म यहाँ पर 10, एनसीपी खत्म 8, कांग्रेस पार्टी खत्म 5 और अन्य पार्टी खत्म 1 सीट जाने की संभावना की जा रही है। वासिम की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खत्म, एनसीपी खत्म, शिवसेना खत्म 1-1 सीट। यवतमाल की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खत्म 2 सीट, एनसीपी खत्म 2 सीट, शिवसेना खत्म 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खत्म 1 और अन्य पार्टी खत्म भी 1 सीट जा सकती है। मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 13 पर बीजेपी, तो 4 पर एनसीपी, 7 पर शिवसेना, 2 पर कांग्रेस और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो महाराष्ट्र की 88 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 44, एनसीपी खाते में 15, शिवसेना खाते में 19, कांग्रेस पार्टी खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, एनसीपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जीतने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर बीजेपी खाते में सबसे ज्यादा नागपुर की 6 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है, शिवसेना खाते में मात्र 2 सीटें हासिल हो सकती है। नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 5 पर बीजेपी, एनसीपी खत्म 2, शिवसेना खत्म 1 और कांग्रेस पार्टी खत्म 1 सीट। तो बात करते हैं नंदुरबार की। जी हाँ दोस्तों, नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खत्म 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खत्म 0, एनसीपी खत्म 0 और शिवसेना के हाथ 2 सीट लग सकती है और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महाराष्ट्र की 113 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 57, एनसीपी खाते में 20, शिवसेना खाते में 24, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। नासिक की 15 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है, एनसीपी खाते में 1 सीट जा सकती है, शिवसेना खाते में 5 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, शिवसेना के उद्धव ठाकरे या फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस या फिर एनसीपी के शरद पवार या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता बनेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। तो बात करते हैं उस्मानाबाद की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खत्म 5, एनसीपी खत्म 2, शिवसेना खत्म 1 और कांग्रेस पार्टी खत्म 1 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं पालघर की। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर एक किस्सा हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, और यहाँ पर किस्सा था साधु को पीटने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साधु को पीटने का किस्सा हुआ था पिछली बार। तो यहाँ पर सीटों की बात करें जाए तो 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3, तो एनसीपी के खाते में यानी शरद पवार की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को यहाँ पर 2 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र की 138 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कैंडिडेट देवनीस फडणवीस को यहाँ पर 68 यानी 68 सीटें मिल सकती हैं। एनसीपी खाते में 24 सीट यानी शरद पवार को यहाँ पर 24 सीटें, शिवसेना खाते में 31, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परभणी की। जी हाँ दोस्तों, परभणी की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 3 तो शिवसेना खाते में 1 सीट। पुणे की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 14 तो एनसीपी खाते में 2 और शिवसेना के खाते में 5 सीटें। पुणे की 14 सीटों पर राज कर सकती है बीजेपी। तो बात करते हैं रायगढ़ की। रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 3, शिवसेना खाते में यहाँ पर 2 सीट, एनसीपी खाते में 1 और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो महाराष्ट्र की 170 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 88, एनसीपी खाते में 27, शिवसेना खाते में 39, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं अहमदनगर की, यानी कि यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से यहाँ पर 6 पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। एनसीपी को यहाँ पर 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ सकता है, शिवसेना खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की वो भी संभावना जताई जा रही है। अकोला की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खाते में 3 तो एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अमरावती की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से बीजेपी खाते में 4, शिवसेना खाते में 1, शिवसेना के खाते में 2 सीट, एनसीपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के 195 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल जीत के आंकड़े के बहुत ही करीब है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, एनसीपी यहाँ पर पिछड़ती नजर आ रही है। शिवसेना को यहाँ पर 45 सीट, एनसीपी खाते में 31 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 16 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 213 विधानसभा सीटों में से। औरंगाबाद की यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी खाते में 6, एनसीपी खाते में 0, शिवसेना खाते में 3 सीट। बीड की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 3, शिवसेना खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। और बात करते हैं भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना खाते में 1-1 सीट। महाराष्ट्र की 213 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर 111 यानी 1-1 सीट यानी 111 सीटें मिल सकती हैं। तो वही एनसीपी खाते में 32, शिवसेना खाते में 51, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बुलढाणा की, जी हां दोस्तों बात करते हैं बुलढाणा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहां पर बीजेपी खाते, सॉरी 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी तो अपनी छाप छोड़ सकती है। तो एनसीपी खाते में 0, शिवसेना खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 3, एनसीपी खाते में 0, शिवसेना खाते में 2 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। धुले की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहां पर बीजेपी खाते में 2 सीट, शिवसेना खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसीपी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की 231 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहां पर बीजेपी को 200 सीटों में से 120 सीटें मिल सकती है। तो एनसीपी खाते में 33, शिवसेना खाते में 57 और बात करते हैं 19 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाने की वो भी संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर ली जाए रत्नागिरी की। जी हां दोस्तों, रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा सकती है। तो एनसीपी, शिवसेना खाते में 2 सीट और एनसीपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहां पर 0 सीट। गढ़चिरौली की
की गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का तम एक एक सीट। गोंदिया की एनसीपी और बीजेपी को 2-2 सीटें और कांग्रेस पार्टी का तम 2, एनसीपी के खाते में 2 और शिवसेना के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। महाराष्ट्र की 243 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी का 126 जादुई आंकड़े के बहुत ही करीब बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो एनसीपी यहाँ पर 34 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, शिवसेना यहाँ पर 62 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी खत्म 19 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, अन्य पार्टी खत्म 2 सीटें जा सकती है। तो बात करते हैं हिंगोली की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर शिवसेना। जलगांव की 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 में से बीजेपी खाते में 5, शिवसेना के खाते में 4, एनसीपी खत्म 1 और अन्य पार्टी खत्म यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी खत्म 1 सीट। महाराष्ट्र की 262 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 136 सीटें बीजेपी खाते में, 35 सीट एनसीपी खाते में और शिवसेना खाते में 69 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 20 और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, बीजेपी खाते में 5, एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। लातूर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, एनसीपी खाते में 0, शिवसेना खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6, एनसीपी खाते में 1, शिवसेना खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 150 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में, एनसीपी खाते में 37 सीटें, शिवसेना खाते में 76 सीट, कांग्रेस खाते में 23 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। तो दोस्तों